वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। यह है फेस्टिवल के लिए स्पेशल मैंने इसे बनाया है। ये हमारी मीठी सेवइयाँ जो बिना ही मिल के हमने इसे बनाया है। आप इस फेस्टिवल पे आप ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आपका जब भी कभी मीठा खाने का मन हो रहा आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही कम 5 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं, देखते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ड्राई फ्रूट्स की, जहाँ पर हमने लिया है पिस्ता और बादाम कटे हुए, देसी घी, और इसके साथ ज़रूर पड़ेगी हमें छोटी इलायची की। और हम लेंगे यहाँ 2 कप सेवइयाँ, ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं। और हमने यहाँ पे ले लिया है ब्राउन शुगर 1 कप, और आपके पास वाइट तो उसको भी यूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल है, आप वाइट या ब्राउन कोई भी लीजिए। तो सबसे पहले पैन लेंगे, हीट करेंगे और ऐड करेंगे 1 बड़ा टेबल स्पून घी का। और सबसे पहले ऐड करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने क्रश करके रखा है, फाइन चॉप किया हुआ इस तरह से। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, वरना ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे और कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे लो फ्लेम पे ही करना है कि ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्रंची बना रहे हैं। और ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत बचा है इसमें पैन में तो ओके है। इसके बाद हम ऐड करेंगे सेवइयों का, सेवइयों को भी हमें रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल हमें चलाते हुए लगातार इसे रोस्ट करना है। तो कुछ इस तरह से करके हम रेडी करेंगे। आफ्टर 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये सेवइयों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो रेडी है। हम इसे भी निकाल लेंगे, सेम पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 कप वाटर का, और ऐड करेंगे उसमें जो हमने छोटी इलायची लिया था उसका मुंह खोल करके हमें ऐड करना है। 3-4 हम यहाँ पे छोटी इलायची को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पानी को कवर कर देंगे ताकि एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद हम सेवइयों को ऐड करेंगे, तब हमारी सेवइयाँ जो होगी वो चिपकेगी नहीं और बिल्कुल खिली खिली सी बनेंगी। यहाँ पर हमें ऐड कर दिया सेवइयों को, और ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे वाटर में। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये सेवइयाँ हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। हम 2 मिनट के बाद वापस से चेक करेंगे, देखेंगे तो ये पूरा पानी सोक कर लिया है सेवइयों ने। तो हम वापस से एक बार चलाएंगे इसे, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लग रहा है तो वापस इसे कवर करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद खोलेंगे, देखेंगे पानी में हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 जो बड़ा कप हमने शुगर लिया था, इसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सेवइयों के साथ। वापस से हम इसे कवर कर दिया था, कवर करने के बाद हम चेक करेंगे तो जो पानी था स्ट्रॉ ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा हम पिंच ऑफ ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर का, और इसके साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसे हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो फूड कलर है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पर देखेंगे कि हमारे ये सेवइयाँ रेडी है। इसे करेंगे गरम गरम सर्व और इन्जॉय। बिल्कुल ये 5 मिनट्स की रेसिपी है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए इस फेस्टिवल पर, और बिना मिल्क के आप देख सकते हैं लुक्स कितना यमी है। ट्राई करिए, कॉमेंट करना मत भूलिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी।